शादी के महज 40 दिन बाद ही युद्धपोत विक्रमादित्य में हुई आगजनी से लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान 6 लोगों को बचाने के बाद शहीद हो गए। वीरांगना करुणा को लगा कि जीवन में अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अपने हौसले और देशभक्ति के जज्बे से अब वो खुद सेना का हिस्सा बनने जा रही है। देखिए एशियन भारत की इस खास रिपोर्ट में। शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान की करुणा बनेगी सेना में लेफ्टिनेंट। सेना में अधिकारी बन करुणा बढ़ाएगी देश का गौरव। सेना की वर्दी पहन देंगी शहीद पति को तोहफा। शादी के 40 दिन बाद ही हो गई थी पति की शहादत। हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी के बाद अपने पति के साथ में कुछ दिन बिताए और फिर जीवन भर कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन करुणा के साथ ऐसा नहीं हुआ। शादी के महज 40 दिन बाद युद्धपोत विक्रमादित्य में हुई आगजनी में पति 6 लोगों को बचाने के बाद शहीद हो गए, लेकिन दुखों का ये पहाड़ अभी भी करुणा के हौसलों को डिगा नहीं पाया। हमारी शादी 10 मार्च को हुई थी 2019। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत वक्त 40 दिनों का मैंने मेरे पति के साथ बिताया। और एक इंसिडेंट की वजह से मैंने उन्हें खो दिया INS विक्रमादित्य पे। लेकिन शायद वहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत होनी थी, और उनके प्रेम ने और परिवार के समर्थन ने, परिवार के असीम प्यार ने मुझे शक्ति दी कि मैं वापस से खुद के पीसेस को कलेक्ट करूं और दोबारा से शुरुआत करूं। दरअसल 10 मार्च 2019 को रतलाम निवासी लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान और करुणा सिंह का विवाह आगरा में हुआ। कुछ दिन परिवार के साथ बिताने के बाद वे 23 मार्च को वापस ड्यूटी पर लौट गए। 26 अप्रैल को उनके शहीद होने की सूचना परिवार को मिली। लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान INS विक्रमादित्य में लगी आग बुझाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में शहीद। घटना के समय INS विक्रमादित्य कर्नाटक के करवार बंदरगाह में प्रवेश कर रहा था। इस दौरान परिवार पर मानो दुखों का वज्रपात हो गया। अभी करुणा अपने पति के साथ जीवन के नए सोपान पर थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन खुद को और परिवार को संभालते हुए करुणा ने शहीद पति को प्रेरणा माना और सेना में ही जाने का प्रण लिया। कड़ी मेहनत के बाद करुणा सेना में एकमात्र टेक्निकल पोस्ट के लिए चुनी गई। तो 27 अक्टूबर को ये फिर से इनका इंटरव्यू हुआ भोपाल में ही, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू, और 31 अक्टूबर को ये फिर वहाँ पर सिलेक्ट हुई। इसके बाद में इनका मेडिकल टेस्ट हुआ भोपाल के मिलिट्री हॉस्पिटल में, जिसमें वो फिट भी पाई गई, मतलब कोई मेडिकल इश्यूज नहीं थे। जॉइनिंग लेटर आने के बाद से 7 जनवरी तक की जो एक अलग ही जर्नी होने वाली है, क्योंकि पूरे घर को संभालना है, क्योंकि अब वो करीब 49 वीक्स के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान के शहीद होने की खबर से घर में सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस घर में शादी की शहनाई गूंजी थी। इस वाकये का सबसे ज्यादा असर पत्नी करुणा सिंह पर हुआ था। जब धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो करुणा बार बार तस्वीरों को निहारती और ताबूत से लिपट रही थी। उस समय करुणा का रो रोकर बुरा हाल था। पति के शहीद होने के बाद भी हालांकि करुणा ने अपना हौसला बनाए रखा और वह माथे पर सिंदूर लगाती रही हैं। उनका कहना है कि मैं उनकी पत्नी हूं और उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खुद की जान दी। इसी हौसले के साथ उन्हें कर्नल निखिल दीवानजी का सपोर्ट मिला और वे सेना में चुनी गई। कर्नल निखिल बताते हैं, करुणा सिंह ने M.Tech किया है और कड़ी मेहनत के बाद वे चुनी गई। धर्मेंद्र के जाने के बाद करुणा ने उनकी बहन की शादी भी कराई। वे अपनी सांस की देखभाल भी करती हैं। इंदौर से फिर वो रतलाम गई, जहाँ पर उनकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ रहते थे। तो मदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती थी, तो उनको हॉस्पिटल ले जाके उनका इलाज करवाना, और साथ में अपने ननद सिस्टर इन लॉ की शादी भी उन्होंने उसी समय में करवा के दी। तो मतलब दोनों परिवारों में एक बहुत अच्छा सामंजस्य है कि लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र के गुजर जाने के बाद भी दोनों परिवारों में रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसे कोई फूट या दरार नहीं आई है, दोनों परिवार करुणा को अपनी बेटी ही मानते हैं। वहीं करुणा का कहना है, सेना की वर्दी पहनना मेरी
ओर से धर्मेंद्र को शादी का सबसे अच्छा तोहफा होगा। साथ ही सेना का हिस्सा बनने के बाद कुछ इस अंदाज में उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया। अगर किसी के शब्द किसी और का प्रोत्साहन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है तो थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप खुद चाहते हैं आगे बढ़ना तब आपको कोई नहीं रोक सकता। और कठिन परिस्थितियां हम सबके जीवन में आती हैं, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कहे कि मेरा जीवन एकदम सुखमय है, जिसमें कोई दुख नहीं है। तो हम सबके जिंदगी में कठिन परिस्थितियाँ रहती हैं। बहरहाल यही इस देश की नारी का चरित्र है, जो न केवल मजबूती के साथ परिवार की जिम्मेदारी उठाती है और जरूरत पड़े तो देश की रक्षा का जिम्मा भी उठा सकती है। आपको बता दें कि चेन्नई में 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद करुणा जनवरी माह में बतौर लेफ्टिनेंट भारतीय थल सेना का हिस्सा बनेंगी। बहरहाल करुणा के जज्बे को एसीएन भारत का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन भारत, इंदौर।